अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेरीन्स कॉर्नर। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दिस वीडियो इज एक्चुअली अ ट्रिब्यूट टू द मोस्ट लेजेंडरी बॉलीवुड स्टार दिलीप कुमार, जिनका असल नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। वो तो पेशावर में पैदा हुए थे। अच्छा, मज़े की बात यह कि दिलीप कुमार के ऊपर, दिलीप कुमार जी या दिलीप कुमार साहब जिन नाम से सायरा बानो उनकी बीवी उनको बुलाती थी, उनके ऊपर जितनी वीडियोज़, इंटरव्यूज़, जितने वाक़ात हैं, उन सबको देखें तो बहुत मज़ा आता है। मुझे दिलीप कुमार पर्सनली इसलिए बहुत पसंद थे कि मेरे फादर को दिलीप कुमार बहुत पसंद थे, तो मुझे दिलीप कुमार में अपने अब्बू की शक्ल या आप कह सकते हैं उनका थोड़ा सा नज़र आता था टच, के मेरे अब्बू को पसंद थे स्टार। तो मुझे ऐसा लगा जब दिलीप कुमार फौत हुए, इस दुनिया से गए हैं, तो ये दुनिया में एक वॉइड पैदा हो गया। बागी टीवी पर मैंने इसकी काफ़ी न्यूज़ भी बनाई है, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि दिलीप कुमार के साथ जो 5 बेस्ट एक्ट्रेसेस मुझे लगती हैं, जो पेयरिंग अप लगी, वो सबसे पहले मधुबाला की, जिनके साथ मधुबाला से दिलीप कुमार की, मज़े की बात यह है कि शादी भी होने वाली थी लेकिन आपस में इनकी कुछ डिफरेंसेस आए, तो उस शूट, एक मूवी के शूट के दौरान दोनों की शादी कैंसिल हो गई। और इवन सो मच सो दैट कि आप बिलीव करेंगे, जो इतनी बड़ी मूवी मुगले आजम थी उसमें दिलीप कुमार और मधुबाला जो थे वो एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे थे ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन इवन। तो उनकी इस किस्म की आपस में रही कि जब कहाँ एक तरफ शादी होने लगी थी और फिर उनके डिफरेंसेज आ गए। लेटर ऑन उनके हालात आपस में बेहतर हो गए होंगे ताल्लुकात, लेकिन मधुबाला जी की बहुत जल्दी डेथ हो गई। नंबर 2 पे दिलीप कुमार जी का पेयर जिनका बहुत अच्छा लगता था वो थी मीना कुमारी जी। दोनों को ट्रेजेडी क्वीन और ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। इनकी आपस में कम फिल्में आईं लेकिन दोनों की पेयरिंग बहुत अच्छी थी। नंबर 3 पे वैजयंती माला है, नंबर 2 पे नरगिस दत्त, संजय दत्त की वालदा है, सुनील दत्त की वाइफ भी थी, मदर इंडियन वो कहते थे। नंबर 2 पे नरगिस दत्त का दिलीप कुमार साहब बहुत अच्छी पेयरिंग थी, इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त थी। फिर नंबर 3 पे हम कहेंगे मीना कुमारी, नंबर 4 पे वैजयंती माला, इनके साथ भी फिल्में आई, और नंबर 5 पे सायरा बानो जिसके साथ उनकी शादी हुई। नंबर 5 नंबर पे ये 5 बेस्ट एक्ट्रेसेस थी ऑन पेयर स्क्रीनिंग, इनके ऑन पेयर जो थी केमिस्ट्री, मुझे ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त लगती थी। इसके साथ साथ दिलीप कुमार ने शादी सायरा बानो से की, इनके बीच में 22 ईयर्स का एज गैप था। और इंटरेस्टिंगली कैन यू बिलीव इट कि सायरा बानो व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने दिलीप कुमार को देखते ही ये फैसला कर लिया था कि वो अगर शादी करेंगी तो दिलीप कुमार जी से करेंगी, एंड दिस इज़ द मैन जिनसे उनकी शादी होगी। अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू देखा सायरा बानो का यूट्यूब पे, जो मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगा, बहुत मज़ेदार था। इस पर मैंने न्यूज़ बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगी, ज़रूर पढ़िएगा वो न्यूज़। सायरा बानो इतना अच्छे तरीके से बोलती, तो मुझे उनकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी लगी, उर्दू इतनी शुस्ता, उनकी इंग्लिश के इतने अच्छे वर्ड्स उन्होंने उस इंटरव्यू में यूज़ किए कि मज़ा आ जाता है। वो इतना लंबा इंटरव्यू लेकिन आप एक सेकंड के लिए बोर नहीं होते। उन्होंने उस इंटरव्यू में रिवील किया कि व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड शी सॉ दिलीप कुमार, और उसी वक्त राइट एट दैट इंस्टेंट उन्होंने सोच लिया, डिसाइड कर लिया कि वो शादी करेंगी तो इनसे ही करेंगी। 13 ईयर्स की एज में उनका सेकेंड उनके साथ एनकाउंटर हुआ और वो मुगले आजम की शूट के दौरान था, एंड शी केप्ट ऑन स्टेयरिंग एट हिम एट द स्टार परफॉर्मर ही हैड। जितने वो सिंपल थे उतने ही उनको वो, उनकी सिंपलिसिटी अट्रैक्ट कर गई, उनकी यूनिकनेस अट्रैक्ट कर गई। फिर एट द एज ऑफ 16 ईयर्स ओल्ड उनकी फिल्म में सायरा बानो की जंगली फिल्म, पहले उन्होंने डेब्यू किया, मूवी डेब्यू, और उन दोनों की शादी भी बहुत जल्दी हो गई। इसके बाद दिलीप कुमार जी जो थे वो सायरा बानो के साथ रहे, और कहा जाता है कि इन्होंने, सायरा बानो ने, शी कंसीव्ड फॉर वंस इन हर लाइफ टाइम, उनका बेबी कंसीव, कुछ कॉम्प्लिकेशन हुए, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो बेबी गॉट एबॉर्टेड, मिसकैरेज हो गया उसकी। सायरा बानो की जो लाइफ थी वो बहुत थ्रेटन हुई उस प्रेगनेंसी से। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी ने डिसाइड किया कि दे नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट एनी अदर बेबी, दे नॉट गोइंग टू कंसीव एनी अदर बेबी, इसलिए उनका कोई बच्चा भी नहीं हुआ। फिर दिलीप कुमार जी ने 1981 में एक और शादी की, एक और मुसलमान से, वो 2 साल शादी रही, लेकिन ही हैड ऑलवेज सेड कि ही रिग्रेटेड दैट मैरिज। इसलिए दिलीप कुमार सायरा बानो के अब कोई बच्चे नहीं है। लेकिन मुझे इनकी लव स्टोरी इतनी अच्छी लगी कि सायरा बानो रिमेंड फेथफुल टू हर हस्बैंड, और दिलीप कुमार भी अपनी बीवी के साथ फेथफुल दोनों एंड तक, यानी कि दिलीप कुमार जी के एंड तक सायरा बानो उन्हीं के साथ डेडिकेटेड रही। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जिस बंदे को उन्होंने 12 साल की उम्र से पूजा, सारी ज़िंदगी उसको ही पूजती रही। बहुत मज़े की इनकी लव स्टोरी। मेरे ख्याल से ये दुनिया का मुझे तो वन एंड द ओनली कपल लगा। हमारे यहाँ मोहम्मद अली और ज़ेबा की भी लव स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मुझे दिलीप कुमार और सायरा बानो की जो लव स्टोरी है ना, मुझे द ओनली वन जिसे कहना चाहिए दुनिया में वो लगी है। इतने सालों का साथ, इतने सालों की उनकी केमिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त थी, और दोनों एक दूसरे के साथ फेथफुल रहे।
अब हम आ जाते हैं जरा थोड़ी सी लोकल खबरों की तरफ। पाकिस्तान में आपको बताना चाहूँगी कि फाइजर वैक्सीन शॉर्ट हो चुकी है और मॉडर्ना वैक्सीन आ गई है। लाहौर के एक्सपो सेंटर में मॉडर्ना वैक्सीन मिल रही है और जिन लोगों ने फॉरेन ट्रिप करना है, टूरिंग करनी है या फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनको वो लग रही है। रिसेंटली मैं एक्सपो सेंटर से होके आई हूँ, मैंने अपने बच्चों को मॉडर्ना वैक्सीन लगवाई है और बहुत ईजी सिस्टम के साथ अच्छे तरीके से उनको वैक्सीन लग गई। 10 मिनट के अंदर अंदर हम फारिग हो गए। उम्मीद करती हूँ अपने कमेंट्स में ऐसा ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कोई दिलीप कुमार से इंटरेस्टिंग वाक्या या कोई उनकी मूवी जो आपको बहुत ज़बरदस्त लगती हो वो आपने मेरे साथ शेयर करनी है। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पेज को भी फॉलो कीजिएगा। महरीन्स कॉर्नर को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट्स के साथ अपडेटेड रहें। अल्लाह हाफिज़।